डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्लोबल कोचिंग क्लासेस अतिथि शिक्षक भाभी में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मोदी का जिसका काल है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इसमें मौर्य काल में विशेष करके तीन शासक हुए हैं। वो तीन शासक हैं CBA। सी से है चंद्रगुप्त मौर्य और डी से है बिंदुसार और ए से है अशोक महान। ये तीन शासक तीनों शासकों का कार्यकाल यदि देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, बिंदुसार का है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक और अशोक महान का शासनकाल है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। ये तीन मुख्य शासक लेकिन मौर्य काल पढ़ने के लिए मौर्य काल का पूरा इतिहास अपने को पढ़ने के लिए अपने को इसके बारे में जानकारी कहां से मिली, इन तीनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करने से पहले अपने को मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत वो पढ़ना बेहद जरूरी है। और वो मौर्यकालीन इतिहास स्रोत है वो स्रोत कौन कौन से है, स्रोत चार प्रकार के हैं। एक साहित्यिक स्रोत है उसमें साहित्य है, दूसरा शिलालेख है स्तंभलेख है और अशोक के गुहा लेख है। ये चार प्रकार के, पहला साहित्य है शिलालेख है अशोक के शिलालेख है अशोक के स्तंभलेख है और अशोक के गुहा लेख, चार प्रकार। इन चारों में सबसे पहले हम अशोक का के समय की जानकारी मौर्य काल के समय की जानकारी अपने को किन साहित्यों के द्वारा अपने को जानकारी मिलती है ये तो साहित्य में देखा जाए तो एक तो है वायु पुराण। ये मौर्य काल का सबसे प्राचीनतम ज्ञात स्रोत है जिसमें मौर्य काल के बारे में पूरा वर्णन है। 18 पुराणों में से जैसे वायु पुराण में मौर्य काल की जानकारी है। वायु पुराण के बाद में महाभाष्य ग्रंथ जिसका रचनाकार है पतंजलि का महाभाष्य और एक वहन कथा मंत्री, कौन सा ग्रंथ है वहन कथा मंत्री और वहन कथा मंत्री के लेखक है क्षेत्र, एक कथा श्रित सागर कथा सरित सागर जिसकी रचना की सोमदेव का कथा सरित सागर और मुद्रा राक्षस जिसके रचनाकार है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये सबसे बड़ा स्रोत है। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में ही इस बात का वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा घनानंद को प्रास्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी।
और एक अर्थशास्त्र जिसका लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी था, हिंदुस्तान के दरबार में भी रहा और घराना के दरबार में भी रहा। इसमें अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ लिखा इसमें मौर्य काल का वर्णन है। तो साहित्य में तो ये आ गए हैं, साहित्य में भी ये जितने भी साहित्य हैं ये सारे किस प्रकार का साहित्य है, ये पूरा का पूरा साहित्य है, ये ब्राह्मण साहित्य है। किस प्रकार का साहित्य है? ब्राह्मण साहित्य। इन ब्राह्मण साहित्य के अलावा कुछ है, एक बौद्ध साहित्य। कौन कौन से बौद्ध साहित्य है? बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसके अंदर बौद्ध काल की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य जिसमें दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश और दीर्घनिकाय। दीपवंश, महावंश और महाबोधिवंश और दीर्घनिकाय, ये चार बौद्ध साहित्य ऐसे हैं जिसमें मौर्य काल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य, जैन साहित्य भी एक ग्रंथ ऐसे हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आदित्य धर्म का अनुयायी था, अशोक चौहान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अतः बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनमें भी मौर्य काल का वर्णन है और जैन धर्म के ग्रंथ है उनमें भी मौर्य काल का वर्णन है। अब जैन साहित्य कौन कौन से है? एक तो कल्प सूत्र, कौन सा ग्रंथ है? कल्प सूत्र। जिस कल्प सूत्र के रचनाकार थे भद्रभाव के कल्प सूत्र और एक परिशिष्ट पर्व है। परिशिष्ट पर्व इन दो जैन साहित्यों में वर्णन है जिसका मौर्य काल का वर्णन है। अब इनके अलावा और कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा मौर्य काल की अपने को जानकारी मिलती है? वो मौर्य कालीन स्रोत जैसे कई इतिहासकार भी हैं, बहुत सारे इतिहासकार भी हैं जिसने मौर्य काल के बारे में वर्णन किया है। वो मौर्य कालीन इतिहासकार जिसमें पिलिपी के अलावा मेघस्थी थे जिसने इंदिका नाम ग्रंथ लिखा था। मेघस्थी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने इंदिका नाम ग्रंथ लिखा जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। पिलिपी है, स्ट्रैबो है, निर्याकस है, ऐसे बहुत सारे विदेशी आदमी हैं, विदेशी इतिहासकार भी हैं जिनके द्वारा अपने को मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अब उसके बाद में बसते हैं, आते हैं शिलालेख। अशोक के शिलालेख की सबसे पहले खोज करने वाला था पिथेंट्ला।
कल में ही और विक्रम कल में जबकि 1750 ईस्वी में इसने अशोक के अभिलेख की खोज। अब उसके बाद में अशोक के अभिलेख की लिपि पढ़ने में सफलता, अशोक के अभिलेख की लिपि को पढ़ने में सफलता ये किसको मिली? ये मिली थी जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप था, जेम्स प्रिंसेप को। और 1836 ईस्वी में अशोक के अभिलेख की लिपि को पढ़ने में सफलता मिली। अब एक नाम और आता है बिंदर महोदय, बिंदर महोदय नाम से एक पुरातत्व था, उसने जो मास्की नाम का शिला लेख है उसकी खोज करता कौन है, उसकी खोज की थी बिंदर महोदय ने, उसने मास्की की खोज की और कभी